अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यानी 23 अगस्त को अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम भूपेश को सुबह से ही जन्मदिन की बधाई देने का दौर शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व अन्य मंत्रीगण समेत कई बड़े नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कुम्हारी नगर पालिक परिषद कार्यालय के समीप स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पूरे प्रदेश से पहुंचे मुख्यमंत्री के शुभचिंतकों व समर्थकों ने हर्षोल्लास और धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन प्रदेश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में कुम्हारी अंतर्गत आने वाले दुर्गा मैदान में भी विभिन्न आयोजनों के साथ प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन मनाया गया। हजारों की तादाद में शामिल लोगों ने यहाँ पर प्रदेश के मुखिया को जन्मदिन की बधाई दी। मंच पर आसीन प्रदेश के मुखिया ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का जन्मदिन उनके समर्थकों ने और उनके चाहने वालों ने हर्ष के साथ मनाया। केक काटकर यहां पर विभिन्न आयोजन किए गए। तत्पश्चात राज्य के मुखिया का जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राज्य के मुखिया ने केंद्र सरकार पर ईडी को लेकर जमकर निशाना साधा। भाई बहनी मन, सबसे पहली अपन तरफ से, आप सब के तरफ से भूपेश बघेल जिला जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप सब से निवेदन की ताली के गड़गड़ाहट से होकर जन्मदिन के बधाई। आज 23 तारीख है, 23 तारीख के होकर जन्म हो रही से। मैं अभी पूछा रहा हूँ के बजे हो रिश्त और जन्म इसी के 8-9 बजे इसी की। तभी इंडिया 9 बजे एक बात से शुरू हो गए हैं मुख्यमंत्री निवास में, जिसने वो पैदा हुई तत्का पहले बधाई दे एक सिलसिला। भीड़ के विषय में जब वो मंच में इस तो मैं कहा रहे हूँ भूपेश भाई थे मुख्यमंत्री के रूप में कोनो भी मेर जाथस तो जतका भीड़ रथे ओकर से ज्यादा भीड़ आज तोर जन्मदिन में तोल आशीर्वाद देवैया और बधाई देवैया मन के भीड़। ये भीड़ मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे के भीड़ नो है। धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के धरती, ये धरती मेहनत कस किसान और मजदूर मन के धरती, ये धरती हमार ममतामयी माता मन के धरती। ये धरती में चारों तरफ भगवान शंकर विराजे हैं, माँ माया विराजे हैं, गुरु घासीदास जी की जय खाम है। सब ला प्रणाम करते हुए मैं उपस्थित बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय हमार जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सब अधिकारी मन भी है, वो मल्ला धन्यवाद। पाटन क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के ये क्षेत्र बहुत ही शिक्षित क्षेत्र और हमेशा राजनीतिक सूझबूझ हमार एक एक गांव के सब साथी मन में। हमारे यहाँ जब पेपर नहीं आए, होटल में काट पेपर आए तो सांझ के हो पे पेपर गिदगिदा जाए और पढ़ैया मन हा शुरू करते तो ऊपर में छोट 15 रुपया वाले ज्ञापन रहे ना तीनों पढ़ते रहे और नीचे जिन प्रकाशक है तेकरो नाम मन हथ का पढ़े। तो शुरू से राजनीतिक जागरूकता रहे और ओकर कारण से हमेशा आवाज बड़े बिहेरिया ले एक क्रम चला थे। मजदूर मन के अलग, रसोईया मन के अलग, स्वच्छता कर्मी मन के अलग, जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता सब पहले तो राजधानी में मुख्यमंत्री निवास में ओकर बाद
लाइन से सब किसान मजदूर साथी मन खूब स्वागत करे आशीष दे है और बात इस क्षेत्र में ये एक कार्यक्रम रहते जेकर मोला जानकारी नहीं रहा है कहा कि ये कार्यक्रम ला मोल पूछा भी नहीं कहाँ करना है। ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से हमार कार्यकर्ता साथी मन के पाटन के संगवार में होकर सीती आवाज से नहीं मैं विधायक रहे मंत्री रहे उप नेता प्रत्यक्ष रहे प्रदेश अध्यक्ष रहे विधायक नहीं भी रहे तबोल पाटन के सब संगवारी मन चंदा बरारी करके कभो अवसर था राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन का। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया। साथ ही इस मौके पर राज्य के मुखिया का सम्मान उपस्थित जनों ने अपने अपने तरीके से किया। किसी ने राज्य के मुखिया को पेंटिंग से बनाई हुई तस्वीर दी तो किसी ने छत्तीसगढ़ पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया। बहरहाल इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।